नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बजाज CT 100 जो इसका चैम्बर खुला हुआ है, ये चैम्बर हमने इसलिए खोला है क्योंकि इसकी किक जो होती है, जब हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं तो नीचे ही गिरी हुई रह जाती है, नीचे ही लटक जाती है। तो स्थिति, यदि आपकी मोटरसाइकिल में भी ऐसी स्थिति बनती है तो आपको ये चैम्बर खोल करके और इसमें ये जो स्प्रिंग लगा हुआ होता है, इस स्प्रिंग को चेंज करना है जो कि टूट जाता है। ये देखिए, ये इसका टूटा हुआ हिस्सा है और ये टूटी हुई ये स्प्रिंग है और इसका ये टुकड़ा है। ये टूट जाने के कारण ये इसकी किक जो है नीचे लटकी हुई रह जाती है। और अब हमने इसको चेंज कर दिया है। अब इसको बदल करके हम पल्ला कस, जो इसका चैम्बर है उसको कस के हम आपको चेक कराते हैं। खोलते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसकी पैकिंग ना फटने पाए, और यदि पैकिंग फट जाती है तो उसको अच्छी तरह से साफ करके नई पैकिंग लगाएं। चैम्बर के दो स्क्रू हम इसमें कस देते हैं और किक स्प्रिंग चेक करते हैं कि सही से काम कर रही है कि नहीं। ये देखिए, हमने दो चैम्बर के स्क्रू कस दिए हैं और किक की स्प्रिंग किक हमने लगा दी है। अब हम इसको चेक करते हैं वापस किक रिटर्न आ रही है कि नहीं। ये देखिए, तो इस तरह से आप अपनी लटकी हुई किक को सीधा कर सकते हैं और किक की स्प्रिंग डाल सकते हैं। किक की स्प्रिंग की बहुत ज़्यादा कोई कीमत नहीं होती है, मुश्किल से 20-25 रुपए की ये आती है। तो इस तरह से आप अपनी मोटरसाइकिल बजाज CT 100, प्लेटिना और KB4S, इन मोटरसाइकिलों की, यदि आपके पास इन तीनों में से कोई भी बाइक है यदि, तो इसकी किक स्प्रिंग आप इस वीडियो को देख करके बदल सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाता है।